हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीपवर्ती कृष्णगंज में राय युवा विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला, अन्यत्र होने पर ग्रामीणों ने कल लिखित में एसडीएम सिरोही को शिक्षा मंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा एक दिन पहले प्रशासन को चेतावनी दी गई और मांग की गई कि अगर प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं होता है तो कल सुबह से ही विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी जाएगी। और आज ग्रामीणों और छात्रों ने सुबह 7 बजे ही स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तालाबंदी की सूचना पर संबंधित विभाग तुरंत हरकत में आते हुए कृष्णगंज पहुंचा। वही तहसीलदार भी मौके पर पहुंची। प्रशासन ने ग्रामीणों और छात्रों को स्कूल के गेट का ताला खोलने को लेकर काफी समझाइश की। काफी मशक्कत के बाद स्कूल का ताला तो खोल दिया गया, मगर ग्रामीणों ने प्रशासन से एक मांग रखी, जिसमें कहा गया कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं किया जाता तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों से हमने मामले को लेकर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाचार्य का तबादला जिले से बाहर होने के पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। पहले भी इन्हीं प्रधानाचार्य के खिलाफ दुष्प्रचार करके यहां से हटाने की कोशिश की गई थी और इनका तबादला अचानक हो जाना यह किसी और इशारा करता है। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।